अब के बार 75 पार और 75 नंबर सीट में आम सभा हो थे। ये ला जीतना है, जीतना है कि नहीं जीतना है? हाँ, पूरा राजनांदगांव जिला में एक एक भाजपा सीट रहीगिरी से वह करगल नींदना है। तो आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, 5 साल आपके सेवा करें, सुख में दुख में संकट में हर स्थिति में आपके साथ खड़े रहें। कोरोना काल में भी हमारी सरकार है 3 महीना का राशन एडवांस में सबके घर पहुंचाया, काम करी। ऑक्सीजन नहीं मिला थी से देश में, दिल्ली राजधानी में, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। यहां ले महाराष्ट्र, यहां ले मध्य प्रदेश, यहां ले पंजाब, राजस्थान, यूपी, सब जगह यहां ऑक्सीजन भेजे काम करे। और राजनांदगांव की जनता ला, यहां के कार्यकर्ता मल्ल में बधाई देना चाहता हूं, मल्ल में प्रणाम भी कर रहा था। प्रदेश दूसर प्रदेश के जब लॉकडाउन हुई पैदल चल के आए तो बाघ नदी बॉर्डर में यहां के कार्यकर्ता मन, यहां के अधिकारी कर्मचारी मन, यहां के जनप्रतिनिधि मन, यहां के समाज सेवी मन, न केवल यात्री मन के भोजन के व्यवस्था करी, न केवल कर मन के दवाई की व्यवस्था करी, चप्पल जूता तक के व्यवस्था करके वो यदि उड़ीसा जाना चाहते तो बॉर्डर तक पहुंचाए काम करे, झारखंड और उत्तर प्रदेश जाना चाहते तो वो बॉर्डर तक पहुंचाए काम करे। उसकी स्थिति में राजनांदगांव के सब जनता में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सब साथ में लेके काम करें, कोरोना जैसे महामारी लभी हम परास्त करे रहे। तो आज हमें लड़ाई लड़ना है। घोषणा के बाद राहुल जी करी, मैं उकर बात नहीं कहा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। ये मन डबल इंजन के सरकार है कि थे 2013 के पहली, 14 के पहली मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रही से, तब तुम्हारे धान 80 लाख मीट्रिक टन खरीदी होत रही से। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रही से तो कोनो कोनो साल 50 और 100 रुपया बोनस भी मिल जाती रही से धान में, लेकिन जैसे डबल इंजन की सरकार बनी वहां मोदी जी और यहां रमन सिंह जी वो इसका बोनस देना बंद, चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस, और 15 क्विंटल के जगह 10 क्विंटल। बहनी मंसूरता करो, पहले 35 किलो चाउर मिला थी से, जैसे डबल इंजन की सरकार बनी 7 किलो कर दी। लेकिन हम पिछले समय कह रहे हैं कि हमार सरकार बनाओ, हम 2500 रुपए में खरीदे करबो, रमन सिंह जी नहीं दे 2 साल के बोनस, तेनोल देबो। विधानसभा में रमन सिंह जी किथे सवाल करी मोर से, मैं जिन वादा कर रहे हैं तेन 2 साल के बोनस लग कब देबे, मैं कि तो लाज तक नहीं लगे डॉक्टर, ते वादा करे थे मैं दो। लेकिन फिर भी क्योंकि किसान के बात है, प्रधानमंत्री में चिट्ठी लिखे बोनस लगते बंद करे हैं, 2014 से बंद है पूरा हिंदुस्तान में बोनस देना, ते 2 साल के बोनस दे के अनुमति भर दे दे का प्रतिबंध ते लगाया है, वो प्रतिबंध ला हटा दे। मैं ये मंच के माध्यम से आप लोग विश्वास दिलाता हूं कि जैसे प्रतिबंध हटी 2 साल के बोनस किसान लग मिली। बीस क्विंटल भी अभी 1 नंबर के बेचू और बाद सरकार बनाओ, ऋण माफी फिर से होई, ऋण माफी फिर से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन भाजपा वाला मन के पेट में पीड़ा होते हैं, भुवन दे। रमन सिंह के थे जब किसान के हालत सुधर गए कांवर ऋण माफी कर रहा था। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि हमन तो राहुल जी की सिपाही हैं, राहुल जी कहते किसान ला मजबूत करो, ऋण माफी करो, ओकर उपज की कीमत दो, और एक तरफ मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
14.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति मन के माफ कर दीस। 14.5 लाख एक बार भी कोनो भाजपा वाला मन कहे कि ओकर लो जब माफ कर रहा था तो किसान के भी माफ कर दे। ये मन है किसान के हित में कभू नहीं आ सका है। और एक और बात आखिरी बात कह के मैं राहुल जी आमंत्रित करूं, वो बात ये है रमन सिंह कभू 2100 दे के बात कर रही से, कभू 300 रुपया दे के बात कर रही से, आदिवासी मतलब जर्सी गाय दू के बात कर रही थे वो अलग बात है, वो गेरुआ बनाए रही थी खुटी में रखे रखे सर गए लेकिन गाय जर्सी एक ठक नहीं मिली। तेकर मन के बात के कोई गारंटी नहीं है, है का विश्वास है कर मन के। और हमार जिन भरोसा है हमार बात हमार जिन गारंटी है तेकर भरोसा पूरा छत्तीसगढ़ करते है नहीं भरोसा, भरोसा है ना कांग्रेस के ऊपर भरोसा है, छत्तीसगढ़ के सरकार के ऊपर भरोसा है। ये भरोसा जिन हम कहें जिन कांग्रेस पार्टी की जिन वादा हमार नेता की ये काम करना है तो निश्चित मान के चला वो काम छत्तीसगढ़ में होकर रही। मैं बहुत ज्यादा देर आपके और राहुल जी के बीच में नहीं रहते हुए आप सब से जोरदार नारा लगाया के अपील कर रहा था, सब तैयार हो? कांग्रेस पार्टी जोर से आवाज नहीं आते, कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। भूपेश बघेल जी, साहू जी, शरणदास महंत जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। भैया बंद कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। पांच साल पहले ऐसी ही मीटिंग में बघेल जी ने मैंने कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने छत्तीसगढ़ की जनता से 3-4 वायदे किए थे। सबसे बड़ा वायदा कि छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ होगा और एक ऐसी सरकार आएगी जो किसानों की रक्षा करेगी, जो किसानों की मजदूरों की आवाज सुनेगी और उनको सुनकर सरकार चलाई जाएगी। हमने यह भी कहा था कि धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमने आपको सच बोला था या झूठ बोला था? हमने 15-20 बातें नहीं की थी, हमने 4-5 बातें बोली थी, मगर जो हमने स्टेज से बोला वो हमने करके दिखाया। एक और बात, हमने वायदा किया था कि छत्तीसगढ़ में किसानों को 2500 रुपए क्विंटल मिलेगा, किया था ना? आज क्या रेट है? आज 2500 है या 2640 है? 2640 है। तो जो हमने वायदा किया था
उससे हम आगे निकल गए, वहां हम नहीं रुके, रुके नहीं। हम आपको यह कह सकते थे कि देखिए हमने तो 2500 की बात करी थी, हमने 2600, 700, 800 की बात तो नहीं की थी, मगर नहीं, हमने उसको 2640 कर दिया। और आप बोलो भी ना, हम इसको आने वाले समय में 3000 तक ले जाएंगे। क्यों? आपको बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम किसान के दिल में जो है उसको हम समझ जाते हैं, और उसकी आवाज जो दिल की आवाज होती है वो हम सुन लेते हैं। आज सुबह किसानों के साथ, मजदूरों के साथ बघेल जी और मैंने थोड़ा काम किया, बातचीत की, और सारे के सारे किसान सब ने हमें कहा कि जो सरकार ने उनके लिए पिछले 5 साल में किया है उससे पहले किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। 2500 रुपए प्रति क्विंटल, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना में 23,000 करोड़ रुपए, 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, 5 लाख मजदूरों को फायदा मिला। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का तरीका देखिए, आज सुबह किसानों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई, मजदूरों ने हमें कहा, बघेल जी को, साहू जी को, टीएस जी को, मुझे, कि 7,000 रुपए थोड़ा कम है। मैंने बघेल जी से गाड़ी में बात की और हमने निर्णय ले लिया कि 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के किसान, सारे किसानों को मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार हमने कर्जा माफी का वायदा किया था, वो वायदा हमने पूरा किया, और इस बार भी हम कर्जा माफी का वायदा कर रहे हैं और हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। सुबह हमने पूछा, किसानों से पूछा, उनकी जमीन के बारे में पूछा, और मैंने उनसे पूछा, भाई आप जमीन का रेट क्या है? सीधा मुझे जवाब देते हैं, राहुल जी यहां पे कोई जमीन बेचना नहीं चाहता, हमें आप जमीन बेचने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, बैंक अकाउंट में पैसा है, हम जमीन बेचने की सोच ही नहीं रहे। तो ये ऐतिहासिक बदलाव आया है और बहुत गहरा बदलाव आया है, और हम चाहते हैं कि किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और मजबूत हों। देखिए दो तरीके की सरकार होती है, मैंने कल अपने भाषण में कहा, एक सरकार होती है जो गरीबों के लिए काम करती है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए उनकी मदद करती है, और पूरी की पूरी अपनी शक्ति उनकी मदद करने में लगा देती है। दूसरी तरीके की सरकार होती है वो अरबपतियों को दिखती है, और जो देश में सबसे अमीर लोग होते हैं, अरबपति जो होते हैं, उनके लिए सरकार काम करती है। बघेल जी ने कहा 14 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अदानी जी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया है, 14 लाख करोड़ रुपए। आप मुझे बताइए बीजेपी ने कौन सी स्टेट में
हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में उनकी सरकार है, कौन से स्टेट में बीजेपी ने कर्जा माफ करके दिखाया किसानों का, ये मुझे बता दो। आपको एक स्टेट नहीं मिलेगा, और सेंट्रल सरकार को तो छोड़ दो, उनका तो सीधा अदानी जी के साथ रिश्ता है, 24 घंटा अदानी 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 चलता रहता है। खदानें दे दी, एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट दे दिए, किसान के कानून बना दिए उनके लिए। मोदी जी किसानों से कहते हैं, नहीं मैं तो आपके लिए फायदा करना चाहता हूं, मैं किसान बिल लाया हूं। सोचते हैं किसान को कोई समझ नहीं है। आप किसानों के जेब में से पैसा छीनने के लिए कानून लाए थे, आप अदानी जी को पैसा देने के लिए कानून लाए थे, और आप 24 घंटा अदानी जी की मदद करते रहते, और यहां पे आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अदानी जी जैसे लोगों के लिए ही काम करते हैं। हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए काम करते हैं, ये फर्क है। अब देखिए दूसरी बात, जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं वो गरीब लोग से कहते हैं, देखो हिंदी पढ़ो, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी की जरूरत है। हमारी सोच दूसरी है, हम कहते हैं हिंदी जरूरी है, छत्तीसगढ़ी जरूरी है, और अंग्रेजी भी जरूरी है। क्यों? अगर आप में से किसी को छत्तीसगढ़ में किसी से बात करनी है तो छत्तीसगढ़ी का प्रयोग होगा, अगर आप यूपी जाएंगे, बिहार जाएंगे, बाकी हिंदुस्तान में जाएंगे तो हिंदी का प्रयोग होगा, और अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, कॉल सेंटर में काम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ेगा। सही बात, सही बात। अब आप एक काम कीजिए, ये जो बीजेपी के नेता आते हैं 24 घंटा हिंदी 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 बोलते रहते हैं, आप इनसे एक सवाल पूछिए, आप इनसे ये पूछिए, भैया आप कहते हो कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, आप कहते हो छत्तीसगढ़ी नहीं पढ़नी चाहिए, आप कहते हो हिंदी होनी चाहिए, आप हमें एक बात बताओ, आपके जो बच्चे हैं वो क्या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी सीखते हैं? और ये सारे के सारे आपको बताएंगे कि नहीं भैया हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के गरीब लोग कोई भी सपना ना देखें, ये चाहते हैं कि आपके बच्चे मजदूरी करें और उनके बच्चे अंग्रेजी में बात करें, विदेश जाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाएं, कॉल सेंटर में काम करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का गरीब से गरीब युवा बड़े से बड़ा सपना देखे। अगर उसे इंजीनियर बनना है, अमेरिका में जाके काम करना है, कॉल सेंटर में काम करना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसके पास सारे के सारे हथियार हों, अगर उसे छत्तीसगढ़ी की जरूरत हो छत्तीसगढ़ी, अगर उसे अंग्रेजी की जरूरत हो अंग्रेजी, अगर उसे हिंदी की जरूरत हो तो हिंदी। ये हमारी सोच है, और इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में हमले तकरीबन 400 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, और इसको ये हमने जो जाल फैलाया है इसको हम और फैलाएंगे और इसको और गहरा करेंगे। 33